सिंपल यूनिट सेल जिसमें सिर्फ रहने वाले कॉर्नर्स। फेस पे भी नहीं है, मिडिल में भी नहीं है, समझा आपको? तो इसका जो वैल्यू है एरिया का वो निकलता है अपना सिंपली 2R, ये तो आपको पता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसा, क्योंकि जब हम इसको क्लोज पैकिंग करेंगे तो नज़दीक आ जाएंगे ना, तो कितने रेडियस मिलेंगे अपने को, ओनली 2। और समझा क्या, बड़ा करके बता दूं, अब समझेगा कितने रेडियस है, दो ही है ना, तो इसका एरिया क्या आता है 2R से आता है। ये तो सिंपल है एकदम, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अपन वॉल्यूम जो निकालते हैं तो क्यूब रहता है ना, तो क्या निकलेगा 2R³। समझा आपको, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम। इसमें मिडिल में भी नहीं है, टोटल हो गया, हाँ टोटल वॉल्यूम। इसमें मिडिल में भी नहीं है और फेस पे भी नहीं है, ओके। स्फीयर नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, ओनली 1। अरे भाई 8 है ना, लेकिन 8 में डिवाइड है ना, 1/8 × 8 मतलब 1, ये 1/8 × 8 होता है ओनली 1। तो ये ओनली 1 है, तो 1 स्फीयर के लिए, तो आप 100 साल से पढ़ रहे हैं, 4/3 πr³ ये वैल्यू रहती है, ओके। पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम, सिंपल एकदम। ये स्फीयर तो एक ही है, 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन 2 का कितना हो जाएगा 8r³, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 4.13 पता है आपको। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आता है 52.4 है, 36% आसपास कुछ तो भी होता है, ठीक है। ये पैकिंग इफिशियंसी सबकी याद रखो आप। तो हमने क्या देखा, FCC 74%, BCC 68% एंड सिंपल क्यूबिक सेल कितना 52.36%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा रहने वाली, नंबर ऑफ स्फीयर ज्यादा है तो वॉल्यूम उनका ज्यादा रहने वाला ना एफिशिएंसी के हिसाब से। कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, समझा? ओके राइट।